हमें तो अभी पता चला है लेकिन इनके घर पे कोई नहीं था। ये दोपहर हुई होगी, दोपहर में चोरी हुई है, 1-2 बजे की बात हुई होगी। ज्वेलरी के ज्वेलरी आप देख सकते हैं, बच्चों की चांदी की पंजेबे थी, अंगूठियां थी, उसको भी चोर किस तरह से चोरी कर जाते हैं। और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जो ताला था उसको भी तोड़ दिया जाता है और सारा कुछ आप देख सकते हैं खाली किया हुआ है, सारा कुछ खाली किया हुआ है। बैंक की चेकबुक आप देख सकते हैं, अलमीरा देख सकते हैं, अलमीरा का लॉक तोड़ा हुआ है। करनाल के गली नंबर 1 उत्तम कॉलोनी में जो है आप ये देख सकते हैं चोरी हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। जैसे ही डायल 112 की टीम को जानकारी लगी, थाना की टीम को जानकारी लगी, वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। मकान के मालिक इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। चोरी कर ले, कुछ तोड़ते, कुछ पता थोड़ी ना चलता है। आज यहीं पे देख लो, ये हो गया 5 नंबर गली में, हो गया था कई जगह पे चोरी। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के उत्तम नगर में गली नंबर 1 में जो है चोरी हो जाती है। सूचना मिलते ही डायल 112 की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच जाती है। सुखवीर जी मौके पर पहुंचे, उनसे जानना चाहेंगे, सुखवीर जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी लगी है जो चोरी हुई है? सर मकान मालिक ने फोन करे जी, मेरे घर में चोरी हो गई जी, 5-7 मिनट में पुलिस पहुंच गई जी। आगे देखा जी, कुछ रुपए हैं जी, कुछ नकदी जेवर हैं जी, जो भी सामान है घर का बिखरे पड़े जी। चोर 3-4 बजे की चोरी बता रही जी, 3-4 बजे चोरी हुई जी। तो घर पे था नहीं सर कोई? घर पे कोई नहीं था जी, घर का ताला लग रहा था जी, ताला ऊपर कूद के अंदर बड़े चोर जी। तो थाना पुलिस को बता दिया गया? थाना 32-33 का एरिया पड़ता जी, ऐसा चुसा लग रहा जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं थाना पुलिस को भी जो है जानकारी दे दी गई है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं आसपास के लोग भी हैरान है, क्योंकि किस तरह से घर पर जब कोई नहीं था तब जो है चोरों ने ये सेंधमारी की है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय उत्तम नगर गली नंबर 1 से इस समय आप देख सकते हैं। एक बार देख लो तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हीं का, क्योंकि मजदूरी का काम करते हैं, इन्हीं के हथौड़े से किस तरह से तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं घर का जो नकदी था, जो जेवरा था थोड़ा बहुत था, वो भी लेकर फरार हो जाते हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्वेलरी के ज्वेलरी आप देख सकते हैं, बच्चों की चांदी की पंजेबे थी, अंगूठियां थी, उसको भी चोर किस तरह से चोरी कर जाते हैं। और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जो ताला था उसको भी तोड़ दिया जाता है और सारा कुछ आप देख सकते हैं खाली किया हुआ है, सारा कुछ खाली किया हुआ है। बैंक की चेकबुक आप देख सकते हैं, अलमीरा देख सकते हैं, अलमीरा का लॉक तोड़ा हुआ है। करनाल के गली नंबर 1 उत्तम कॉलोनी में जो है आप ये देख सकते हैं चोरी हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। जैसे ही डायल 112 की टीम को जानकारी लगी, थाना की टीम को जानकारी लगी, वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। मकान के मालिक इस समय यहां पर मौजूद हैं, पुलिस को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। जो मालिक है वो भी यहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आपको जानकारी लगी जो घर पे चोरी हुई आपके? सर काम पे आए थे तो मैं गेट का खोला, ताला तो देखा सारे बिखरा हुआ था और ये सब सारे ज्वेलरी सारा कुछ फेंका हुआ था। घर में क्या से पड़ा हुआ था 50,000 रुपए गोदरेज में, वो भी सारा निकाल के ले गया। क्या काम करते हैं आप? मैं टाइल पत्थर काम करता हूँ। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। मकान मालिक घर पर नहीं था जब चोर दाखिल होते हैं, पुलिस भी इस समय आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी करते हुए नजर जरूर आ रही है। लाइव तस्वीरें करनाल के उत्तम कॉलोनी गली नंबर 1 से देख सकते हैं, किस तरह से मेहनत मजदूरी कर चंद हजार रुपए जोड़े थे। कुछ ज्वेलरी जो है आप देख सकते हैं बच्चों की, महिलाओं की जोड़ी थी, जिस पर भी जो है किस तरह से जो चोर है वो हाथ साफ कर जाते हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं सेक्टर 32-33 थाना की जो पुलिस टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है और मामले की पूरी जो है आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी की जा रही है। मामले की पूरी गहनता से जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 32-33 थाना में पड़ने वाले इलाके से आप देख सकते हैं उत्तम नगर गली नंबर एक में जो है चोरी की वारदात हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जैसे ही जानकारी आस पड़ोस की महिलाओं को लगती है वो भी इस समय यहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। इस परिवार की जो महिलाएं हैं वो अपने घर गई हुई है और जो व्यक्ति था वो मेहनत मजदूरी करने का काम करता है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। घर की परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी इस समय यहां पर मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पड़ोसियों के घर पर चोरी होगी, क्या कुछ जानकारी आपको लगी थी? हमें तो अभी पता चला है लेकिन इनके घर पे कोई नहीं था। ये दोपहर हुई होगी, दोपहर में चोरी हुई है, 1-2 बजे की बात हुई होगी। हम लोग दिन भर काम। तो क्या कुछ ले गए? जो सामान था सारे उठा के ले गए। बहुत चीज रहे, पैसे रुपया रहे जी,
लेकिन फिर भी इस बात के ऊपर गौर करनी चाहिए पब्लिक को और पुलिस को भी, क्योंकि आगे किसी की भी हो सकती है ऐसी चोरी। घर काम करने वाले जाते करने हैं, ताला लगा के जाते हैं, क्या पता कहाँ कब का चोरी कर लेता है, तोड़ देता है ताला। बताओ काम करके शाम को आए हैं और ताला देखा टूटा हुआ है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम मेहनत मजदूर करने वाले परिवार यहाँ रहते हैं। ऊपर से कूद गया अंदर, गेट में ताला लगा हुआ है। तो कितने बजे पता चला था जब चोरी हुई है? ये अभी आए शाम को, साढ़े छह बजे आए तो शाम को आए ना, तब देखा जो घर के ताला खुला पड़ा, गेट वाले मेन गेट के ताला लगा हुआ है, अंदर के गेट ताला खुला हुआ है। तो और कोई नहीं था घर पे इस समय? नहीं, कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पड़ोस के घर में किस तरह से चोरी की एक वारदात हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंच जाती है। उत्तम नगर गली नंबर 1 में जो है चोरी की वारदात हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। क्या जानकारी मिली थी, कितने बजे हुई है ये? सर ये दिन में ही किसी टाइम हुआ होगा, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सुबह 8:30 से 9 बजे तक घर छोड़ देते हैं, शाम को हम 6 बजे के बाद ही आते हैं। आगे ये मालक आ रहे हैं, पीछे पीछे मैं आ रहा था, मेरे को 2 घर बाद मेरा अपना घर है, तो ये गेट मेन गेट का ताला खोलते ही अंदर एंट्री करते ही कह रहे हैं मेरा घर तो खाली कर दिया, इतने कहते हुए बाहर निकले। फिर इनके साथ साथ हम भी अंदर आए और भी पड़ोसी आए। क्या कुछ ले गए? यहाँ 50,000 रुपए कैश बता रहे हैं जो इनका रखा हुआ था अलमारी में, और बड़े वाले बक्से में रजाई था, रजाई में तह करके इनकी पत्नी ज्वेलरी रख के और गांव गई थी, जो 24 तारीख को ही गई है अभी पीछे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पत्नी ज्वेलरी रखकर गई थी और ज्वेलरी भी जो है गायब हो जाती है, 50,000 रुपए नगद भी जो है गायब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जांच अधिकारी विनोद कुमार इस समय मौके पर हैं और किस तरह के बयान लेते हुए नजर आ रहे हैं, और मामले की जो तफ्तीश है वो आगे शुरू कर दी गई है। मिस्त्री है ना, मजदूर है ना, मजदूर है ना, रहता है पता नहीं कोई आ गया चोरी कर ले, कुछ तोड़ दे, कुछ पता थोड़ी ना चलता है। आज यहीं पे देख लो ये हो गया, 5 नंबर गली में हो गया था, कई जगह पे चोरी। आप लोगों को कब पता चला जो चोरी हुई है यहाँ पे? अभी पता चला है बिल्कुल 6:30 बजे। तो उसके बाद पुलिस बुलाई है? पुलिस तो पहले काम पर से आए हैं, तब ताला खोले हैं, तब देखा कि अंदर के ताला टूटा हुआ है। अभी अभी पता 5 बजे 6 बजे के पता चला है। तो बिल्कुल हर कोई हैरान है, आप देख सकते हैं किस तरह से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा इलाका है जो चोरी हुई है? सर यहाँ पे काफी महीने पहले वहाँ पड़ोस में भी हमारी चोरी हुई थी, तो उसके बाद हमने कार्रवाई करवाई, फिर भी अब तक कुछ रिजल्ट नहीं ना कोई पकड़ा गया। एक दिन तो मेरे कुंडा टूटा पड़ा था गेट का मेन। आज क्या जानकारी मिली है? सर यहाँ पे अभी पता लगा, अभी शाम को ही अभी ड्यूटी से आया था मैं, पता लगा अभी यहाँ पे चोरी हो गया। तो गरीब परिवार है ये? हाँ बिल्कुल गरीब है सर, दिहाड़ी मजदूरी, अपना दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे हैं जी सारे तो तस्वीरें इस समय आपने देखी करनाल के उत्तम नगर गली नंबर 1 में किस तरह से गरीब परिवार के घर जो है चोरी हो जाती है। ये मकान आप देख सकते हैं जहां पर डायल 112 की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है। एक जो परिवार था, हालांकि उनकी परिवार की महिलाएं गांव में गई हुई हैं, लेकिन नकदी और जेवरातों पर किस तरह से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही उनके आस पड़ोस की महिलाएं भी जो है तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है। हर कोई हैरान जरूर है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। उनको भी डर रहता है, क्योंकि वो भी सभी जो है काम करती है, मेहनत करने का काम करती है, मजदूरी करने का काम करती है, और सुबह ही अपने घरों पर ताला लगाकर काम पर निकल जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर पर चोरी हुई है, पहले भी इस तरह की काफी चोरी की वारदातें यहाँ पर हो चुकी है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सेक्टर 32-33 थाना की जो पुलिस टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सकते हैं सूचना मिलते ही सेक्टर 32-33 थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। विनोद जी क्या कुछ बताना चाहेंगे जो चोरी की वारदात हुई है? हमारे पास जानकारी मिली थी जो उत्तम नगर में चोरी हो गई है, जो जांच चल रही है, जांच करके तो पैसे और जेवरात ले गए। हाँ जी 50,000 कैसे बता रहे हैं और कुछ ज्वेलरी बता रहे। तो घर पे कोई नहीं था उस समय? घर पे कोई नहीं था। तो आसपास के कैमरे भी चेक किए जाएंगे? हाँ जी चेक किए जाएंगे।